हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गूगल ड्राइव क्या है और इसका क्या प्रयोग है और हम गूगल ड्राइव को कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं गूगल ड्राइव के बारे में तो ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ एग्जैक्ट उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, अगर गूगल ड्राइव की बात करें तो गूगल ड्राइव एक ऐसा एप्लीकेशन है जो लगभग सारे एंड्रॉयड फ़ोन में प्री इंस्टॉल होता है। अगर आप इसे डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये ऐप डिलीट नहीं होगा। और दोस्तों, ये ऐप गूगल ने डेवलप किया है। गूगल का ये एप्लीकेशन है गूगल ड्राइव, जहाँ पर आपको 15 GB का फ्री क्लाउड स्टोरेज मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे ही दोस्तों इस एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको 15 GB का फ्री ऑनलाइन स्टोरेज मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने गैलरी से फोटो, वीडियो, ऑडियो, फाइल, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में कोई मेमोरी कार्ड है और आपने मेमोरी कार्ड में अपने सारे फाइल, ऑडियो, वीडियो रखे हैं, तो अगर आपका मेमोरी कार्ड एक बार ख़राब हो जाता है तो उसके बाद आपके सारे डेटा डिलीट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे कोई डेटा अपलोड कर दिया, अपना ऑडियो, वीडियो, जो कुछ भी आपने यहाँ पे अपलोड कर दिया, वो हमेशा के लिए सेफ हो जाता है। अगर उसके बाद आपका मेमोरी कार्ड ख़राब भी हो जाए, फॉर्मेट हो जाए, उसके बावजूद यहाँ पे आपके सारे डेटा सेफ रहेंगे और यहाँ से आप जब चाहे तब उसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको देख सकते हैं 3 लाइन यहाँ पे दिख रही होंगी। तो यहाँ पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 15 GB का फ्री स्टोरेज मुझे दिया गया है, जिसमें से मैंने केवल 390 KB यूज किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 GB का फ्री स्टोरेज दिया गया है। 15 GB तक मैं यहाँ से अपने फ़ोन से कुछ भी यहाँ पे अपलोड करके सेफ रख सकता हूँ। और दोस्तों, अपलोड करने के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस करने का आइकॉन, यहाँ पे प्लस वाले आइकॉन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आप क्या अपलोड करना चाहते हैं, गूगल का डॉक्यूमेंट या गूगल शीट्स, या फिर आप अपने गैलरी से कुछ अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड वाले आइकॉन पे क्लिक करिए। जैसे आप अपलोड वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट करना है, आप क्या अपलोड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से वीडियो एक अपलोड करना चाहता हूँ, तो वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको सिंपली वीडियो पे क्लिक करना है। जैसे आप वीडियो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नीचे देख सकते हैं ओके लिखा हुआ, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं योर वन फाइल इज़ बिंग अपलोडेड, यानी मेरी फाइल जो है वो अपलोड हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, कई बार इस एप्लीकेशन में ऐसा होता है कि जब भी आप कुछ अपलोड कर रहे होते हैं तो ये ऑटोमेटिक पॉज हो जाता है। तो आपको फिर से अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार का आइकॉन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो फिर से अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अब अगर मैं इस वीडियो को अपनी गैलरी से डिलीट कर देता हूँ, उसके बावजूद ये वीडियो यहाँ पे सेफ रहेगी, मैं इसे जब चाहूँ तब यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 3 डॉट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड करने का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, आपको डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है, ये फाइल आपकी फिर से डाउनलोड हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं किसी फाइल का नाम चेंज करना है, यानी रीनेम करना, तो उसके लिए भी है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 3 डॉट, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रीनेम का। तो रीनेम पे क्लिक करके आप यहाँ से जो चाहे वो यहाँ पे नाम इसका दे सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ पे आप जो कुछ भी अपलोड करेंगे वो बिल्कुल सेफ रहेगा। और अगर आप यहाँ से मान लीजिए गलती से डिलीट भी कर देते हैं तो फिर से वापस आ जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों, मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 3 डॉट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और मान लीजिए यहाँ से आपने गलती से डिलीट कर दिया, तो रिमूव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट हो चुका है। तो अब मैं आपको इसे वापस ला के दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसे कंप्यूटर में रिसाइकल बिन होता है, उसी तरह इसमें भी बिन है। तो बिन पे क्लिक करके आप इसे वापस रिस्टोर कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं 3 लाइन, यहाँ पे 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बिन करके एक ऑप्शन है, तो आपको बिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अभी इस वीडियो को डिलीट किया था, बिन में वापस आ चुकी है। तो इस फाइल को फिर से रिस्टोर करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 3 डॉट, आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर पहला ऑप्शन है रिस्टोर का, आपको रिस्टोर पे क्लिक करना है। जैसे आप रिस्टोर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं 1 आइटम रिस्टोर करके आ चुका है। तो यानी ये फाइल फिर से रिस्टोर हो चुकी है। तो आपको ये फिर से आपको माई ड्राइव में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं माई ड्राइव, आपको जैसे ही माई ड्राइव पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो फाइल मैंने डिलीट की थी वो फिर से यहाँ पे वापस आ चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों, गूगल ड्राइव के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। यहाँ पे आपको 15 GB का फ्री ऑनलाइन स्टोरेज मिल जाता है और यहाँ पे जो भी आप अपलोड कर देते हैं वो 100% सेफ हो जाता है। और अगर आप यहाँ से कुछ गलती से डिलीट कर देते हैं तो वापस फिर से रिस्टोर भी हो जाता है। और दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको अपलोड करने का तरीका भी बता दिया। तो आप जिस फाइल को सेफ रखना चाहते हैं, ऑडियो, वीडियो, जिसे भी आप सेफ रखना चाहते हैं, आप उसे गूगल ड्राइव में अपलोड कर दीजिए, वो बिल्कुल यहाँ पे सेफ रहेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपके सारे कन्फ्यूजन गूगल ड्राइव के बारे में क्लियर कर दिए हैं।
और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट जरूर करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनके तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए हेल्पफुल और यूजफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।